रितु जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मेरी लाइफ में कब इतना रोमांटिक सीन आएगा? काश मुझे भी कभी ये हैंडसम डॉक्टर जॉन का फोन आया होता। आ गया। हेलो। हेलो रितु, सुना है ना, तू तो पंच करने जाने वाली थी ना तेरी फैमिली के साथ कजिन की शादी में, पहुंच गई क्या? रितु वो सब छोड़, मैंने पता है कल रात को तुझे लेकर एक सपना देखा, इसलिए मैंने तेरे को फोन किया। स्केरी ड्रीम देखा कि रोमांटिक ड्रीम देखा कि हैप्पी ड्रीम देखा? वो मुझे नहीं पता, पर ड्रीम में एक बात क्लियर थी, तू किसी को भी पैसे मत देना, ना 1,000 ना 1 रुपया। मतलब? मतलब कि तू जिस किसी को भी पैसे देगी ना उसके साथ तेरा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। पैसे पे झगड़ा? पर क्या देखा तूने? मैंने देखा ना कि हेलो बोलना रितु, इतना लंबा पॉज क्यों दे रही है? हेलो सुना ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। भारी वर्षा की वजह से आपका फोन डेड हो गया है, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। क्या बोलने वाली थी वो, स्कूल जाने से पहले उसके घर जाकर पूछती हूँ कहीं वो निकल ना जाए। गई सुनैना, और मैं कैसे पूछूंगी, उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है। रितु what's up? अरे सुनैना घर पे नहीं है क्या? लॉक नहीं दिखता है तेरे को? ओके। अरे स्कूल जा रही हो क्या? यूनिफॉर्म भी नहीं दिखता है तेरे को? हाँ, अरे चल यार, लिफ्ट चाहिए क्या? वॉकिंग चलते ना। सुहेल और सुनैना ने पता है अपने ड्रीम में? अरे यार प्लीज यार, तू फिर से शुरू मत हो जाए सुनैना के ड्रीम के साथ। एक तो वो यहाँ पे नहीं है तो एक रिलीफ है यार, 2 दिन के लिए हमें सुनैना के ड्रीम से छुट्टी। अरे पर सुनना, अरे वो सब छोड़, देख एक इम्पोर्टेंट बात है, मुझे 200 रुपए दे। 200 रुपए? हाँ, अरे एक नोबल कॉज के लिए चाहिए, निकालना। ये तू आज तू जिससे भी पैसा देगी ना उससे तेरा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। नहीं मैं नहीं दे सकती। अच्छा मत दे, मैं निकाल लेता हूँ। नहीं आई मीन मैं आज नहीं दूंगी ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे क्यों, बोला ना नोबल कॉज के लिए। अरे नीना का आज, देख मैं आज नहीं दे सकती, प्लीज समझा कर सोहेल, मैं आज तो बिल्कुल नहीं दे सकती। अरे हेलो जूस मक्खी चूस, मैं सोचता था मैं अकेला ही हूँ। अभी सुनैना ने तुझसे कहा कि किसी को पैसे मत दे और तू फिर उसकी ड्रीम में आ गई, तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे पर कुछ तो देखा होगा उसने, लेकिन उसके बताने से पहले फोन डेड हो गया। रिलैक्स सुनैना, अपनी कजिन की शादी एंजॉय कर रही है वहाँ पे और तू यहाँ उसकी ड्रीम का टेंशन ले रही है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nina, happy birthday to you. Wow, how sweet! तुझे actually मेरा birthday याद था? Nina, तेरा birthday? लेकिन वो तो जनवरी में होता है ना? एक्चुअली हाँ, हमारे साउथ में ना 2 बर्थडेज होते, एक इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से और एक साउथ इंडियन कैलेंडर के हिसाब से। एनीवेज सोहेल, इट वाज सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। आई विल हेल्प। वाओ, शाहरुख खान की बायोग्राफी, वाओ, इट लुक्स एक्सपेंसिव। या पूरे 200 रुपए की है। व्हाट 200? नकली है क्या? होल्ड ऑन, ये तो सेकेंड हैंड लगती है। आदि बुक किधर है? एक्चुअली ना रद्दी वाले से ना पुलिस फाइनल डील हुई थी, पुरानी एडिशन 400 रुपए में। तुम नीना को रद्दी वाले की दुकान से खरीद कर गिफ्ट दे रहे हो? एटलीस्ट गिफ्ट तो दे रहा हूँ, तेरी तरह नहीं। नीना सुनैना तो है नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं और रितु पैसे स्प्लिट करके तुझे गिफ्ट दे देंगे, 200 रुपए ये और 200 रुपए मैं, लेकिन इस कंजूस ने तेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। रितु हाउ कुड यू, मेरा बर्थडे साल में सिर्फ 2 बार आता है,
नीना, आई स्वेयर, पता है मुझे तो इसलिए रद्दी वाले ने मुझे आधे पैसे के लिए आधी बुक दी और बाकी आधी किसी और को। आधी बुक ना आप अपने पास में रख लो। पर मेरा नहीं, इसका फॉल्ट है यार। लेकिन नीना, सुहेल, ये सब ना सुनैना के ड्रीम की वजह से हुआ। उस बेचारी का नाम मत ले, ओके? वो तो यहाँ पे है भी नहीं। कंजूस, मैं तेरे बर्थडे पे इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आई थी। सुहेल, चल कैंटीन में तुझे मेरे अपना बर्थडे ट्रीट दी थी और सिर्फ तुझे ट्रीट दूंगी मैं। यो, अब मैं घर के लिए भी कुछ पैक करवा लूं। बाय मिस कंजूस। लेकिन नीना, कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस। ये तो बिना पैसे दिए ही लड़ाई हो गई। लेकिन अगर पैसे दिए होते तो कितनी बड़ी लड़ाई होती ना। थैंक गॉड, काश ये लोग समझ पाते। ओ नीना, रितु, रितु रुक। क्या है? मुझे तुझसे थोड़े पैसे चाहिए। पैसे? ओनली 5 रुपीज। स्वागतिका को पैसे दूंगी तो उसके साथ लड़ाई हो जाएगी, जो है तो बुरी बात। पर तो उसका करेगी क्या? मेरे लिए नहीं है, मिस मार्पे करके घर एक नई किचन आई है, तो हम सब मिलके उसके लिए एक क्यूट सा बास्केट खरीद रहे और उसी की कॉन्ट्रीब्यूशन है। मिस मार्पे का सो क्यूट, ले। एक मिनट, ये पैसे तुझे तेरे लिए नहीं, मिसेस मार्पेकर के लिए चाहिए। नो वे। मिसेस मार्पेकर नहीं, मिस मार्पेकर। दे। ये तू आज तू जिसे भी पैसा देगी ना, उससे तेरा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। मतलब अगर मेरे पैसे मिस मार्पेकर को पहुँचे तो उनकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी, जहाँ पर हार मेरी ही होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। Shame on you, Ritu, for your parents. Okay? अरे कॉइन छोड़ना। नहीं नहीं, मैं मिस मार्पेकर से पंगा नहीं ले सकती। नहीं। क्या हो गया तुझे? इतनी स्वीट टीचर की स्वीट किचन के लिए 5 रुपए नहीं दे सकती? नो प्लीज, मैं नहीं दे सकती। मैं नहीं दे सकती। शेमलेस कंजूस। स्वागतिका, प्लीज मिस मार्पेकर को मत बताना कि मैंने उनके लिए पैसे नहीं दिए। सुने ना, तूने मुझे किस साबे में फंसा दिया। कॉइन, कैन आई हैव दैट प्लीज? जी। आई नो थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा तुम्हारे लिए, पर क्या है कि आज मेरी वो खराब हो गई। क्या? घड़ी? नहीं, घड़ी नहीं, गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए मैं रिक्शा से आया हूँ। वो 5 रुपए का चेंज नहीं था तो मैं किसी से बोरो करने वाला था, पर अब। रितु, प्रिंसिपल को उधारी, मतलब प्रिंसिपल से पंगा। मत दे। एक्चुअली सर, मैं ये कॉइन आपको नहीं दे सकती। नहीं, मैं इसे वापस कर दूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी, आफ्टर ऑल मैं वो हूँ। ऑनेस्ट? प्रिंसिपल हूँ यहाँ का मैं। लेकिन सॉरी सर, ये मेरे टिफिन का है। ऑल राइट, ठीक है, लेकिन जिंदगी में हमेशा हमें दूसरों की वो करनी चाहिए। वो? मदद। स्वागतिका। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैन आई प्लीज हैव अ 5 रुपी कॉइन फ्रॉम यू? ओह श्योर सर। थैंक यू। नीना, वो नीना, सोहेल तू तो सुन, सोहेल। ओह गॉड, आज सबको मुझसे पैसे चाहिए। ये स्कूल कब खत्म होगा? सब मुझे पैसे चाहिए। उधार उधार चलेगा। अरे मेरे पास बहुत सारे पैसे, एक डिस्क तो चले गए। Thank you.
रितु वेट अप रितु वेट अप रोहन कहाँ जा रही है या ओह मुझे पैसे दे रहे हो दे नहीं रहा रितु ले रहा हूँ 150 बात मेरे और मेरे फ्रेंड्स इतनी की कैश पार्टी ऑर्गेनाइज किए रहा और ये सब बचपन ये तू आज तू जिससे भी पैसा देगी ना उससे तेरा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है क्या हुआ रितु रोहन तुम कल ले लेना मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है एक काम करो मैं तुम्हारी घर की तरफ जा रहा हूँ आई विल कलेक्ट इट ऑन द वे आज नहीं देख रितु पार्टी में नहीं आना है तो बोल दे इट्स योर लॉस यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग I know, Rohan, 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 लेकिन कल पक्का, Rohan, please, Rohan, Rohan, please, I know what I'm missing, Rohan, Rohan. Hi, Samir. और ये आदित्य हम आपके ही हाई स्कूल में जानती हूँ ऋषभ के क्लासमेट्स ना अरे हाँ वो चश्मेश सॉरी एक्चुअली हम लोग बॉय स्काउट्स के डोनेशन ड्राइव पे निकले हैं डोनेशन ब्लाइंड होम के लिए मैं डोनेशन आज नहीं कल दे दूँ तो चलेगा आज लास्ट दिन है ओ गॉड सब ने दिए और आपकी नेक्स्ट डोर वाली आंटी ने तो पूरे 100 रुपीज दिए और मेरे डैड को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे पता है मेरे डैड कौन है स्कूल के ट्रस्टी इंचार्ज मेरे पास चेंज नहीं है 100 रुपीज भी चलेगा मेरे पास 500 का नोट है ना तो 500,000 सबका चलता है जानती हूँ लेकिन मैं नहीं दे सकती आई एम सो सॉरी सॉरी अब प्लीज मैं नहीं दे सकती डैड को पता चला ना बहुत गुस्सा होंगे नाम क्या था ऋतिका भट्टाचार्य क्लास 11D डैड को बताना पड़ेगा अभी तक तो 6 बजे ये दिन कब खत्म होगा हेलो रितु तू कहाँ है मैं कब से तेरे फोन को ट्राई कर रही हूँ तू कहाँ है मैं पंचवनी से बोल रही हूँ कल शाम तक आ जाऊंगी अच्छा सुन तूने किसी को पैसे नहीं दिए ना आज नहीं थैंक गॉड वरना सीरियसली तेरी किसी के साथ लड़ाई हो जाती चल अच्छा हुआ डे तो खत्म हो गया पर सुना ना तूने ड्रीम में देखा क्या रितु कल मैं आ रही ना कल मैं सब बताऊँ अच्छा एक काम कर तू घर आ जाना ठीक है अभी रखती हूँ बाय बाय शर्मा नहीं चाहिए अपने दोस्त के बच्चे के लिए 200 रुपए नहीं दे सकती आइंदा मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और ये आधी बुक ना मुझे हमेशा तेरी आधी दोस्ती की याद दिलाती रहेगी 5 रुपए के लिए तूने अपनी टीचर के साथ गद्दारी की अब तो तू गई जो मेरे पेट किटन से प्यार नहीं कर सकता रितु दीदी वो मेरे हिसाब से फेलियर है मेरे चेहरे पर क्या जोर लिखा ओके व्हाट अ लूजर मेरे स्टूडेंट्स क्या मुझ पर 5 रुपए का भी वो नहीं करते अरे ट्रस्ट नहीं भरोसा 100 रुपए के लिए तूने ये पार्ट मिस कर दी डोनेशन ना देने के चल में मेरे डैड आपको स्कूल से बाहर निकाल देंगे मक्खी जूस भरोसा रही ग्रेट और तू बता आज तू स्कूल गई थी हाँ पर नहीं जाती तो ज्यादा अच्छा होता क्यों क्या हुआ अरे ऐसा लग रहा था कि पूरा स्कूल मेरे अगेंस्ट है सोहेल और नीना
मुझसे बात ही नहीं कर रहे और मिस मारपीकर ने मुझे दो बार पनिश किया और पता है रोहन वो मुझे कैसे इग्नोर कर रहा है और प्रिंसिपल शास्त्री ने मुझसे कोडली बात की और पता नहीं अब आगे क्या होगा। नेक्स्ट वीक ना बोर्ड मीटिंग है उसमें समीर की डेड ट्रस्टी है ना वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। रितु रिलैक्स ये चिकी खा पंचगनी स्पेशल टेंशन मत ले कम से कम तेरा किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ ना। झगड़ा सुने ना इससे बड़ा झगड़ा और कुछ हो सकता है क्या कहीं तूने कुछ और ड्रीम तो नहीं देखा था उल्टा जब ऐसे नहीं देने पर लड़ाई होती हो। सुन मैं तुझे अपना ड्रीम बताती हूँ। सुना एक डार्क रूम है वहाँ पर तो टेबल पे बैठे उधार उधार चलेगा अरे कुछ बहुत सारे पैसे एक दिक्कत तो चले गई माय गॉड ये मास्क ऋषभ का यही तो मेरे ड्रीम में था। सुना ना मतलब वो मास्क मैन की ड्रेस में मैंने स्पाइडरमैन को पैसे उधार दिए। हाँ पर वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था मेन पॉइंट क्या है तूने पैसे दिए और तेरा झगड़ा हुआ है ना। लेकिन एक लड़ाई की वजह से मेरी कितनी लड़ाई हुई वो सब कुछ नहीं। हेलो सुना ना। हाँ नीना मैं आ गई। अच्छा लेसन अगर वो कंजूस है तो तेरे पास है ना तो प्लीज मेरे 100 रुपए उसे दे देना। कौन से 100 रुपए। हाँ याद आया याद आया पक्का शोर दे दूंगी। जस्ट गिव इट टू हर राइट अवे। मैं नहीं चाहती कि उस कंजूस का मेरे पर कोई भी एहसान रहे। प्लीज यार जस्ट अंडरस्टैंड गिव इट बैक टू हर। ओके ओके बाय। क्या बोल रही थी नीना मुझसे अभी भी नाराज है क्या। और ये ले। ये क्यों। एक्चुअली नीना ने तुझसे उधार लिए थे और जब मैं पंचगनी गई थी तो नीना मेरी लाइब्रेरी बुक लौटाने गई थी और वहाँ उसने 100 का फाइन भरा था अपनी पॉकेट मनी से। ओ तो तुझे नीना को 100 रुपए देने हैं। लेकिन नीना को तुझे पैसे देने हैं इसे डायरेक्टली मैं तुझे पैसे देती हूँ समझी हिसाब बराबर। या थैंक्स। नीना ने मुझसे पैसे लिए जो तूने उससे लिए मतलब कि बेसिकली पैसे तूने मुझसे लिए। ये मास्क ओह माय गॉड ये मास्क ऋषभ का यही तो मेरे ड्रीम में था। सुना ना मतलब वो मास्क मैन की ड्रेस में तू थी तो मैंने तुझे पैसे दिए। कब। नीना के थ्रू जो तू मुझे अब लौटा रही है मतलब कि पैसे लेने वाली तू थी और मैं पास ही नीना सोहेल और सबसे लड़ाई कर बैठी। ओ तो ये मास पर फाइनली पैसे तो तेरे पास ही आए ना और मैंने तुझे पूरे स्कूल से पंगा करवा दिया तूने मेरा सुना ना तेरे को। अरे रिलैक्स। और मेरा ड्रीम सच हुआ ना। अब ये सच नहीं हुआ रुक जब पूरा करती हूँ तेरा सच। सीढ़ियां है चांद का स्टेशन उससे भी आगे कहीं उसका डेस्टिनेशन आइंस्टाइन की बूझे उससे मुस्कुरा के पूछे रात का काला छाता दिन में है कौन चुराता।